यह सरकार बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहती है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना ठीक नहीं है। महिला शिक्षिकाओं के साथ बहुत बदतमीजी करता है। सारण की शिक्षिका की माँ का देहांत हो गया, अस्वीकृत अवकाश को अस्वीकृत कर दिया, माँ की लाश छोड़ के विद्यालय आएगी, ये अमानुषिक अमानवीय व्यवहार है। नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। एक तरफ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ जाति जनगणना है वो फिर से शुरू हो गई है, जिसको लेकर अब शिक्षक ही परेशान हो रहे हैं। और आपको बता दें कि शिक्षकों की ट्रेनिंग भी चल रही है, ऐसे में दोनों काम शिक्षकों के लिए बहुत भारी पड़ रहा है, क्योंकि एक साथ ही दोनों काम करना है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो जातिगत जनगणना है वो क्या बच्चों के भविष्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह सरकार बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहती है, कोई आज की थोड़ी नई बात है। ये लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, पशु गणना, जनगणना, मतगणना, मतदाता सूची का संशोधन, घर घर जाके सर्वे करना, आर्थिक सर्वेक्षण, कोई नई बात तो नहीं है और हम लोग इसके सख्त विरोधी हैं। आज फिर हमने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, इस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना ठीक नहीं है। आज मैं गई थी क्योंकि बाहर तो एक मुझे शिक्षक दिखे थे, वो काफ़ी वृद्ध लग रहे थे मुझे, और वो घर घर जाकर लोगों से ये सर्वे कर रहे हैं। तो कैसा लग रहा है आपको कि एक वृद्ध जो है इतनी कड़ी धूप में सबके घर घर जाकर ये सर्वे कर रहे हैं? यह सरकार न करवाती है, उनको अपमानित करती है सरकार। एक और जो हमारी वाजिब मांग है उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है, और स्वीकृत आकस्मिक अवकाश हमारे शिक्षकों को लेने का अधिकार है, उसको अस्वीकृत कर देता है जा करके, खास करके महिला शिक्षिकाओं के साथ बहुत बदतमीजी करता है। एक सारण की शिक्षिका की माँ का देहांत हो गया, अस्वीकृत अवकाश को अस्वीकृत कर दिया, तो माँ की लाश छोड़ के विद्यालय आएगी, ये अमानुषिक अमानवीय व्यवहार है। इसलिए हमने आज पत्र लिखा है, सरकार इसको तुरंत वापस करे। नीतीश कुमार ने कहा था कि सत्र खत्म होने के बाद वो आप लोगों से बात करेंगे, लेकिन अभी तक पत्र लिखा है, अब बातचीत करना ही पड़ेगा हम लोगों, उम्मीद है अभी। हाँ, बात करना। तो मतलब जिस तरीके से शिक्षकों के साथ हर चीज़ में शिक्षक जो है शिक्षक की ही भागीदारी रहती है, तो ऐसे में क्या लगता है सरकार फिर भी आप लोगों की बात नहीं सुनती है, मतलब ऐसे इस तरह की बात सुनेगी? लोकतंत्र है तो बात तो सुननी ही पड़ेगी, बिना बातचीत से समस्या का समाधान नहीं होगा। जैसा कि इन्होंने कहा है कि सरकार जो है मनमाने तरीके से अपना काम करी, और इनको उम्मीद है अभी भी कि सरकार इनकी बात ज़रूर सुनेगी। आपकी इस वीडियो पे क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहार संवाददाता। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं साक्षी, पटना।